तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं देवरिया का वाटर पार्क, जो कि आप पीछे के साइड में देख सकते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोग इधर के रास्ता में आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं बैकुंठपुर की तरफ से आता है, और इधर के साइड में दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं देवरिया के साइड में चला जाता है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेके चलते हैं आप लोगों को फाइनली वाटर पार्क के अंदर। हम फाइनली पहुंच चुके हैं वाटर पार्क के अंदर। दोस्तों मैं आप लोगों को इधर के साइड में दिखाना चाहता हूं कितनी अच्छी तरीके से फोर व्हीलर गाड़ियां जितनी भी अच्छी तरीके से पार्किंग कर दी गई हैं, और इधर के साइड में भी दोस्त आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से जो टू व्हीलर गाड़ियां हैं वो भी पार्किंग की गई है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है जब भी आप अपने गाड़ी को यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों अपने कतार में लगाएंगे। दोस्तों इधर की साइड सामने की साइड में मैं आपको दिखा दूं कि वाटर पार्क खुलने का समय सुबह 10:30 से 5:30 बजे तक है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार अच्छी तरीके दिखा रहा हूँ। इधर दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है शनिवार और रविवार सिर्फ फैमिली टिकट मिलेगा। ये टिकट घर है, यहीं पे टिकट जैसे मिलेगा। इधर के साइड में दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये मेन गेट है जहाँ से हम लोग का एंट्री होता है, और इधर के साइड में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से काफ़ी खूबसूरत तरीके से चित्रण किया गया, जो कि मैं आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए नियम हैं और शर्तें भी हैं, तो आप लोग आकर के इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम फाइनली लेके चलते हैं आप लोगों को यहाँ का टिकट घर है, जो टिकट हम आप लोगों को यहाँ पे लेते हैं और आप लोगों को फिर उसके बाद से लेके चलेंगे दोस्तों वाटर पार्क के अंदर। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से आया वाला है, जो कि हमारा टिकट घर है। तो चलिए दोस्तों हम फाइनली यहाँ पे टिकट लेते हैं, टिकट को भी ले लिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं हम 500 रुपये दिए हैं, देने के बाद से दोस्त हमें 450 का टिकट का चार्ज काट लिया गया है, और हमें एक टिकट और एक बैंड मिला है। तो इसके सहायता से दोस्त हम पहन करके हम गेट को एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लेके चलते हैं फाइनली आप लोगों को गेट के अंदर और एंट्री लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं रास्ता है, यहीं से हम लोग को क्या करना है कि गेट के अंदर एंट्री लेना है। तो अभी हम इसी गेट से एंट्री हुए हैं, तो देखिए हमारे हाथ में जो बैंड लगाना था वो लग गया है दोस्तों। अब यहाँ का जो आसपास का दृश्य मैं दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से पौधे लगाए गए हैं, जो कि आप भी देख सकते हैं क्या खूबसूरत तरीके से यहाँ का जो भी दृश्य वाटर पार्क का बनाया गया है। तो मैं आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ सामने के साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ कितनी अच्छी तरीके से कस्टमर लोग लगे हुए हैं लाइन में। तो चलिए कस्टम डिलीवर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप लोग आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, जैसे कपड़ा लेना है और दोस्तों लाकर की चाबी आप लोग को यहीं पर मिल जाएगी। अभी मैं भैया जी से पहले ही बात कर लिया हूँ, और मैं कपड़ा ले लेता हूँ और लाकर का चाबी भी ले लेता हूँ। और इधर के साइड में दोस्त आप देख सकते हैं कस्टम टोकन, रेस्टोरेंट टोकन, दोस्तों आप लोग को यहाँ पे दोनों टोकन मिल जाएगा। अभी दोस्तों फिलहाल हम ले लेते हैं कपड़े को और चाबी को। जो पे किए हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक टिकट का मात्र दाम है 50 रुपये, लेकिन आपको जिस समय यहाँ पे कपड़ा मान लीजिए हम लेके जा रहे हैं और हम यहाँ पे इस लाकर का चाबी भी लेके जा रहे हैं, जिस समय हम यहाँ पे आएंगे फिर से उसके बाद से हमें क्या होगा कि यहाँ से 100 रुपये में रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लेके चलते हैं आप लोगों को फाइनली लॉकर के तरफ। रेस्टोरेंट का यहाँ से आप टोकन ले लेते हैं, टोकन लेने के बाद से दोस्त आपको लेके चलना होगा इधर की साइड में, और इधर के साइड में दोस्त आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे आप लोगों को रेस्टोरेंट का जो खाना होगा आप लोगों को मिलेगा खाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठ करके और यहाँ पे खा रहे हैं। कितने अच्छी तरीके से रेस्टोरेंट डिलीवर है पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आकर के आप डिलीवर ले सकते हैं दोस्त, आप खा सकते हैं। रेस्टोरेंट के आसपास का क्या कुछ दृश्य मैं आप लोगों को एक बार अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो दोस्त यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग अभी फाइनली कुछ खाने वाले हैं, तो इधर की साइड में लेके चलता हूँ दोस्त आप लोग को और आगे की साइड में। दोस्तों हम जैसे रेस्टोरेंट के आगे आते हैं दोस्त देख सकते हैं क्या कुछ अच्छी तरीके से यहाँ का लुक है। JCW आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत तरीके से बनवाया गया, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इधर की साइड में आप देख सकते हैं यह वाला जो लाकर है जहाँ पे हम लोगों का कपड़ा जैसे जमा करना है,
और जो भी हम लोग बैग वगैरह लेके आए हैं तो सब यहाँ पे जमा करेंगे। इधर के साइड में दोस्त पुरुष लोग जो भी होंगे वहाँ पे जाके इस रूम में कपड़ा अपना चेंज कर सकते हैं। और इधर के साइड में दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, इधर के साइड में जा करके महिला लोग अपना कपड़ा चेंज कर सकती हैं। और ये रहा लाकर, लाकर में हम लोग को अच्छी तरीके से जो भी मतलब मिलेगा दोस्तों सामान हम लोग के पास है उसको अच्छी तरीके से सेफ्टी के लिए रख लेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से लाकर है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इधर के साइड में महिला लोग अपना कपड़ा चेंज करती हैं और इधर के साइड में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इधर के रूम में दोस्तों पुरुष लोग अपना कपड़ा चेंज करते हैं। तो आप लोग को फाइनली हम लेके आ चुके हैं लाकर के पास। तो चलिए दोस्तों हम फाइनली एक बार अच्छी तरीके से, हमारा जो लॉकर नंबर है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 209 नंबर का मिला हुआ है जो कि चाबी। तो चलिए दोस्तों हम लेके अपना लॉकर, मैं आप लोग एकदम अच्छी तरीके से यहाँ का लॉकर रूम को भी दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्त कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे लॉकर को बनवाई गई है जो कि मैं आप लोग को एक बार अच्छी तरीके से दिखाने कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों हमें जो चाबी मिला था 209 नंबर वाला लॉकर मिला था, तो हम चलते हैं दोस्तों फाइनली अपना जो भी कपड़ा है उसको निकाल करके और जो बैग है उसको रख देते हैं दोस्तों लॉकर में। उसके बाद से दोस्तों हम लेके चलते हैं आप लोगों को फाइनली आगे की तरफ, जो भी दृश्य मैं आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो में काफी इंटरेस्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों को रखने के बाद से दोस्त यहाँ पे हम ताला लगा लेते हैं, 209 नंबर का चाबी है, हमारा लॉकर भी 209 नंबर का है। तो चलिए फटाक से ताला लगाते हैं, फिर आगे चल के कुछ और आप लोगों को दृश्य दिखाते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों हम फाइनली लॉकर को भी बंद कर दिए। लॉकर को बंद करने के बाद से दोस्त जो चाबरिंग है देख सकते हैं आप, इस चाबरिंग को मैंने अपने गले में पहन लिया हूँ। पहनने के बाद से दोस्त चलते हैं आगे। आप लोग भी रखने का सबसे आसान ट्रिक है दोस्तों, गले में आप लोग को भी पहन लेना जैसे आई कार्ड हम लोग पहनते हैं। तो चलिए दोस्तों इधर की साइड में आप देख सकते हैं दोस्त कितनी मजा आ रहा है। सच बता रहा हूँ ले ले भैया, भाई साथ में हमारे भाई लोग हैं, आप लोग देख लीजिए दोस्तों अपना प्यार दुलार हम पे बनाए रखिए। कितनी अच्छी तरीके से हम मस्ती कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग भी आइए और आप लोग आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे भी वाटर पार्क का मजा लीजिए। तो हम फाइनली दोस्तों मजा ले रहे हैं, आप लोग अभी दिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ पीछे की दृश्य है जो आपको मैं दिखाता हूँ। मजा आ रहा है, मजा आने की वजह से यार नहा रहा हूँ। मुझे लग रहा है दोस्त की शायद तबीयत ना खराब हो जाए, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं नहाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सभी लोग आकर के कितना मजा ले रहे हैं देवरिया वाटर पार्क में। तो आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग भी आइए देवरिया वाटर पार्क। तरीके से बैठने के लिए वो व्यवस्था किया गया है और इधर के साइड में भी दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर भी बैठने का व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आइएगा तो जो नहाने के बाद से अगर शरीर थक जाता है दोस्त तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, या जो भी बंदा आता है सिर्फ घूम के देखने के लिए नहाना नहीं चाहता है वो लोग भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली इधर भी नहा चुके हैं, चलते हैं दोस्तों फिर से इधर पीछे की साइड में देख सकते हैं दोस्त काफी ऊँचा बड़ा बड़ा दोस्तों बना हुआ है। तो चलिए हम नहाते हैं वहाँ पर।
सभी लोग मजा ले रहे हैं दोस्तों पानी में। दोस्त देख सकते हैं दोस्त कितने अच्छे तरीके से तैर रहे हैं। हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, आप लोग भी आइए देवरिया वाटर पार्क और आप लोग भी अच्छी तरीके से यहाँ पे नहाइए, नहा के जाइए। उधर की साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छी तरीके से बनाया गया। तो चलिए दोस्तों हम लेके चलते हैं फाइनली अब ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में चलने के बाद से दोस्तों हम पुनः कोशिश करते हैं। यार मुझे काफ़ी डर लग रहा है यार, इतना ऊपर कभी आज तक कभी मैं चढ़ा ही नहीं हूँ इतने ऊपर से, मतलब पानी में नहाने के लिए वाटर पार्क में कभी गया ही नहीं हूँ। आज पहले दिन चलने वाला हूँ दोस्तों इसके ऊपर। और दोस्तों इधर क्या कुछ आसपास का दृश्य जो देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे सभी भाई लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाने कोशिश कर रहा हूँ। लोग आए हुए हैं नहाने के लिए। मात्र टिकट है 450 रुपये। लाकर चार्ज आपको पड़ेगा दोस्तों 50 रुपये, लेकिन उसका सिक्योरिटी चार्ज मान के चलिए 50 रुपये और लगेगा। कपड़े के लिए भी वही कंडीशन है, कपड़ा भी लेंगे तो आपको 100 रुपये लगेगा। जिस समय आप वापस करने के लिए जाएंगे उस समय दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, 100 रुपये आपको मिल जाएगा दोनों चीज़ में से 50 रुपये। नहाने के बाद दोस्तों चलिए हम तो छोटे थे, थोड़ा सा तालाब में तैरे हुए हैं, देखते हैं आपके तैर पाने के लिए पानी तो काफ़ी कम है, तो चलिए दोस्तों ट्राई करते हैं। काफी तैरने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी पहले की तरह नहीं तैर पा रहा हूँ, आदत छूट चुकी है। चलिए दोस्तों कुछ और दिखाते हैं। आपको बता दूँ कि अगर आप इसकी सहायता से अगर आप सभी तैरने में नहीं सीखे हुए हैं तो तैर भी सकते हैं। आप लोग अगर तैरना नहीं जानते हैं तो आप लोग इस पर बैठ करके सो करके तैर सकते हैं। बस अच्छा सेफ्टी आपको ये होना चाहिए कि शरीर का बैलेंस आपको बना के रखना है, वैसे कोई बैलेंस यहाँ पे खराब होने वाला चीज़ नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्त कितनी अच्छी तरीके से हम तैर रहे हैं। दोस्तों हम फाइनली इधर के साइड में पूरे घूम चुके हैं और इधर जो आप पीछे साइड में देख सकते हैं दोस्तों इधर भी घूम चुके हैं। काफी मजा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे घूमने पे। आप लोग भी देवरिया में आइए वाटर पार्क, आप भी यहाँ पे आनंद। Oh,
बाद में काफी ज्यादा पानी पड़ चुका है भाई। तो दोस्तों इधर की साइड में आप देख लीजिए क्या मजा है यार वाटर पार्क का। आप लोग देवरिया में आइए और आप लोग भी यहाँ पर आने के बाद से दोस्तों आप लोग भी यहाँ का आनंद लीजिए। देखिए दोस्तों क्या मजा आ रहा है दोस्तों, आप लोगों को दिखा रहा हूँ सही भाई लोग कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे खेल रहे हैं दोस्तों। ये मजा फिर आप लोगों को समुद्र में ही देखने को मिलेगा, इधर तो नहीं मिल सकता है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्त क्या माहौल है इधर का दोस्तों, यहाँ का जो भी आसपास का दृश्य मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। ये हमारा देवरिया का वाटर पार्क देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का क्या खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है दोस्तों। अभी हम लोग इधर की साइड में घूम लिए दोस्तों, खेल लिए हैं और दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से इधर की साइड में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जैसे आप देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके जिस तरीके से समुद्र की तरफ से लहर आता है दोस्तों, उसी तरीके से इधर भी लहर आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाने में कर दोस्तों, आप देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से लहर आ रहा है दोस्तों। मजा आ रहा है भाई, सब पत्थर मजा तो बहुत आ रहा है भाई। दोस्तों हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।